Hello everyone, welcome in my YouTube channel AgriVision 2.0. Today I study a very important and next topic of plant pathology, which is classification of plant disease. That is, हम लोग plant pathology या plant pathology में पादप रोग को कितने भागों में categorize किया गया है उसके बारे में अध्ययन करेंगे. पहला है अकॉर्डिंग टू इन्फेक्शन, संक्रमण के आधार पर. संक्रमण के आधार पर मुख्यतः प्लांट डिजीज को तीन भागों में कैटेगराइज किया गया है. पहला है एयरबॉर्न. एयरबॉर्न से तात्पर्य जब किसी पैथोजन का एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसमिशन हवा के द्वारा हो तो उसे कहते हैं एयरबॉर्न डिजीज. जैसे स्मट, स्मट स्पोर्ट्स का ट्रांसमिशन हवा के द्वारा होता है. नेक्स्ट है सीडबॉर्न. जब किसी पैथोजन का ट्रांसमिशन एक स्थान से दूसरे स्थान पर सीड द्वारा हो, जैसे कोई सीड अगर किसी अदर कंट्री या अदर स्टेट से इंपोर्ट की जा रही है और उसके साथ बीज में ही पैथोजन प्रेजेंट हो जो डिजीज डेवलपमेंट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल हो, तो उसे कहते हैं सीड बॉर्न डिजीज. एंड नेक्स्ट आर सॉयल बॉर्न डिजीज. जब रोगजनक भूमि के अंदर, यानी पैथोजन जब भूमि के अंदर ही पाया जाए और एक फेवरेबल कंडीशन उसे उपलब्ध हो तो वो पौधों में डिजीज डेवलपमेंट करता है. एंड नेक्स्ट क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू काजल एजेंट. काजल एजेंट के आधार पर प्लांट डिजीज को दो भागों में कैटेगराइज किया गया है. पहला है पैरासिटिक. पैरासिटिक परजीवी से तात्पर्य है जब किसी डिजीज या कोई डिजीज डेवलपमेंट होती है तो उसके लिए एक लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ज़रूरत होती है. जैसे वायरस और कोई भी पैरासाइट हो सकता है जो किसी प्लांट पर डिजीज डेवलपमेंट करने के लिए उत्तरदायी हो. नेक्स्ट है नॉन पैरासिटिक. नॉन पैरासिटिक मतलब नॉन परजीवी या अपरजीवी, जिसके अंतर्गत किसी भी पैथोजन या वायरस का होना ज़रूरी नहीं है. अकॉर्डिंग टू अकरेंस. नेक्स्ट है थर्ड, तीसरा क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट डिजीज का, जो है अकॉर्डिंग टू अकरेंस. पाए जाने के आधार पर प्लांट डिजीज को मुख्यतः तीन भागों में बांटा गया है. पहला है एपिडेमिक. एपिडेमिक की हिंदी होती है महामारी. जब कोई डिजीज विनाशकारी रूप से एक बहुत बड़े क्षेत्रफल में सामयिक अथवा कभी कभी उत्पन्न होता है, अरे एपिडेमिक डिजीज कहते हैं. जैसे एग्जाम्पल इसका है रेड रॉट ऑफ शुगर केन, गन्ने का लाल सड़न रोग. एंड नेक्स्ट है लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, आलू की पछेती अंगमारी. ये उदाहरण हैं एपिडेमिक डिजीज के. नेक्स्ट है एंडेमिक. एंडेमिक डिजीज, एंडेमिक डिजीज की हिंदी होती है स्थानिक. स्थानिक बीमारी वह रोग जो देश अथवा पृथ्वी के किसी भाग पर निरंतर एक वर्ष से दूसरे वर्ष प्रचंड रूप से उत्पन्न होते हैं उन्हें कहते हैं एंडेमिक डिजीज. एंडेमिक डिजीज का एग्जाम्पल है अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो. एंड नेक्स्ट है स्पोरोडिक. स्पोरोडिक डिजीज, स्पोरोडिक डिजीज वह डिजीज होती है जब किसी फसल पे थोड़ा इधर थोड़ा उधर छिटपुट के रूप में एकांतरित एक किनारे से नहीं बल्कि थोड़ा इधर थोड़ा उधर करके पूरे खेत में डिजीज पाए जाएं तो उसे कहते हैं स्पोरोडिक डिजीज, जिसका एग्जाम्पल है ग्रीन ईयर डिजीज ऑफ बाजरा. नेक्स्ट एंड फोर्थ स्टेप है क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट डिजीज का अकॉर्डिंग टू इन्फेक्टेड पार्ट ऑफ प्लांट. पादप के ग्रसित भागों के आधार पर प्लांट डिजीज को वर्गीकृत किया गया है, जिसमें पहला है लीफ डिजीज. पत्तियों पर जितने भी डिजीज हो रहे हैं उसके अंदर लीफ डिजीज. नेक्स्ट है स्टेम डिजीज. तना पर कौन कौन से डिजीज हो रहे हैं उसके बारे में अध्ययन करना है. नेक्स्ट है रूट डिजीज. जड़ में कौन से डिजीज हैं, कौन से पैथोजन हैं जो डिजीज डेवलपमेंट कर रहे हैं. एंड लास्ट है फ्रूट डिजीज. फल पर भी विभिन्न प्रकार के रोग पाए जाते हैं जो कई प्रकार के पैथोजन द्वारा डेवलप होते हैं. इनके बारे में अध्ययन करने के लिए फ्रूट डिजीज है, इसके बारे में अध्ययन करते हैं. आप लोगों को अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें.